दोस्तों आप अपने अपस्टॉक अकाउंट में जैसे ही लॉगिन हो रहे होंगे और आपने जितना भी रेफरल अमाउंट कमाया वो आप देख पा रहे होंगे कि विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, ये एक बिग प्रॉब्लम आ गई है, नया अपडेट आ गया है अपस्टॉक का। ठीक है, तो इसको मैं आज डिस्कस करूँगा और 100% इसका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद अपना रेफरल बोनस विड्रॉ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जैसे ही रेफर एंड अर्न वाले सेक्शन में जाते होंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही अपना विड्रॉ टेकआउट पे क्लिक करते होंगे और ये वाला मैसेज शो हो रहा होगा, आप परेशान हो जाते होंगे कि भाई विड्रॉ ही नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है और आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए एटलीस्ट 365 दिन में एक ट्रेड खरीदना पड़ेगा, यानी कि आपके पिछले एक साल में कोई भी आपके द्वारा ट्रेड नहीं खरीदा गया, यानी कि शेयर नहीं खरीदा गया। आपको क्या करना है कि आपको एक शेयर खरीद लेना है। सबसे पहले आप अपने वॉलेट में फंड के अंदर 100 रुपये ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपये ही ऐड कर सकते हैं। 100 रुपये ऐड करने के बाद आप कोई शेयर खरीद लीजिए, विशलिस्ट में आ जाइए, प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं जो 100 रुपये के अंदर ही आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे कोई शेयर खरीद लीजिए और आपका जो है बैलेंस विड्रॉ हो जाएगा। कब तक होगा ये भी एक सवाल है, तो आपका T+1 डे में हो जाएगा, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया शेयर खरीदा तो ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे, यानी कि एक दिन और, कुल मिला के 2 दिन बाद आपका जो है बैलेंस विड्रॉ हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में प्रदर्शित कर दें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।